हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन माय ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ क्रैक ग्रेड बी। तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी सम एग्रीकल्चर रिलेटेड हाईलाइट्स फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे 2019 एंड 20 फॉर योर नबार्ड ग्रेड एग्जाम। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नबार्ड ग्रेड एग्जाम बिकॉज वी हैव सेलेक्टेड सम इम्पॉर्टेंट हाईलाइट फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट सेक्शन ऑफ योर इकोनॉमिक सर्वे। एंड इट इज चैप्टर नंबर 7 इन वॉल्यूम 2 ऑफ अवर इकोनॉमिक सर्वे 2019 एंड 20। तो फ्रेंड्स, लेट्स सी। तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू नो अबाउट दिस जीवीए। जीवीए का जो बेस प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दैट इज 2011 एंड 12, और 2018 एंड 19 में जो आपकी ग्रोथ थी वो थी 2.9%। एंड इन 2019 एंड 20 इट वॉज एस्टिमेटेड अराउंड 2.8%। फ्रेंड्स, आपको जीवीए के बारे में मालूम होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जीवीए इज वी कैन गेट दिस जीवीए आफ्टर एडिंग सब्सिडीज इन अवर जीडीपी एंड डिडक्टिंग टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट। इट मीन्स फर्स्ट लेट मी टेल यू, बिफोर 2015 गवर्नमेंट वॉज यूजिंग जीडीपी एज अ फैक्टर फॉर कंसिडरिंग for determining the growth of the country, but since 2015 GVA is used as a growth indicator of our economy. इसके कुछ benefits हैं, अगर आपको लगता है कि इसके बारे में थोड़ा सा सीखना है तो नेट पर जाके एक बार पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट है, तो जो रिलेवेंट फैक्ट है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2.8% जो है वो 2019-20 के लिए एस्टिमेटेड ग्रोथ है फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग सेक्टर। तो फर्स्ट फ्रेंड, आपको जीसीएफ के बारे में एक बार बता देता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जीसीएफ। देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेट कैपिटल एक्युमुलेटिंग ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री। The term refers to the addition of capital goods such as equipment, tool, transportation, assets and electricity. It means कि जैसे capital formation मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप अपना घर बनवाते हैं, आपको कुछ पैसा मिला तो आपने अपना घर बनवाया, आपने अपने अपने लिए कुछ खरीदा, तो यू इट मीन्स कि आप अपने लिए कुछ कैपिटल को फॉर्म कर रहे हैं। सेम जीसी वेफ इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी कुछ कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड जो है 2012-13 में 16.5% था और 2017-18 में 15.2% है, यानी कि ये फ्लक्चुएट हो रहा है इस ट्रेंड के बीच में। बट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट 2012 और 13 में 16.5% था, बट इन 2017-18 में आकर ये कम हुआ है, यानी कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जो चीजें हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कैपिटल फॉर्म होती है वो कम हो रही है। दूसरा आते हैं एमएसपी पर। इस पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, 22 मैंडेटरी क्रॉप्स को उन्होंने एमएसपी दिया है और फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो शुगर केन के लिए डिसाइड किया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, गवर्नमेंट का अपना एक प्रिंसिपल है कि जब भी वो एमएसपी डिसाइड करती है खरीफ, रबी एंड अदर कमर्शियल क्रॉप्स के लिए, तो वो एक बेसिक प्रिंसिपल मान के चलती है कि उसको उनके टोटल प्रोडक्शन का 1.5 टाइम्स ऑफ ओवरऑल इंडिया वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द सीजन 2018 एंड 19 के लिए रखती है। इट मीन कि रीजन वाइज जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रही है इन सारी फसल को उगाने में, कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करने में, गवर्नमेंट जो है जनरली इस प्रिंसिपल पर काम करती है कि वो 1.5 टाइम्स जो है एमएसपी डिसाइड करती है इसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। मुझे मालूम है कि ये स्कीम आपने पढ़ी होगी, बट फिर भी मैं आपको एक जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, इसकी लॉन्च डेट थी वो 24 फरवरी थी और इसको गोरखपुर यूपी से लॉन्च किया गया था। ये इनकम सपोर्ट देती है सारे लैंड होल्डिंग फार्मर्स को। इसके जो बेनिफिशरीज हैं वो ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं। अच्छा, इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं। उन एक्सक्लूजन्स में आता है जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं वो इसमें कवर नहीं होंगे, फॉर्मर एंड प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स भी इसमें कवर नहीं होंगे,
फॉर्मर एंड प्रेजेंट मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, मेयर भी कवर नहीं होंगे, ऑल सर्विंग रिटायर्ड सेंट्रल स्टेट एम्प्लॉयज भी कवर नहीं होंगे, और जिन लोगों को 10,000 से ऊपर पेंशन मिलती है वो भी इस स्कीम में कवर नहीं होंगे। इसकी कट ऑफ डेट जो है वो 1 फरवरी है और जो अगले 5 साल तक चेंज नहीं होगी। ये सेंट्रली 100% सेंट्रल से फंडेड है। इसमें 2,000 रुपये हर 4 महीने पर, यानी कि टोटल 6,000 रुपये जो है बेनिफिशरीज को दिए जाएंगे। कैश ट्रांसफर होगा, वो ऑनलाइन भी हो सकता है और डायरेक्ट बेनिफिशरी के बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और कॉमन सर्विस सेंटर में जाके आप एनरोल करा सकते हैं इसमें। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज जो है वो एक लिस्ट पब्लिश होगी एट विलेज लेवल, तो वहां पे जो से एक्सक्लूड हो गए वो भी अपना नाम जाके ऐड करा सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। फिर उसके बाद आप इसको अपग्रेड करा सकते हैं अपने लैंड रिकॉर्ड्स के साथ। इसमें नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का भी प्रोविजन है। ओके फ्रेंड्स, अब अगली स्कीम देखते हैं। कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, कालिया स्कीम ऑफ ओडिशा। इसके बारे में सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो जल्दी जल्दी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने लॉन्च की है। ये रबी सीजन ऑनवर्ड्स, यानी कि जब से रबी सीजन चालू होगा उसके बाद से लेके स्कीम आपको चालू हो जाएगी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस स्कीम? टू एक्सीलरेट एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन द स्टेट। इसके कुछ फीचर्स हैं। देखिए, इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है 25,000 पर फार्म फैमिली देगी फॉर 5 सीजन, रबी सीजन से स्टार्ट करके जितने भी सीजन आएंगे उन सब में ये उनको 25,000 देगी। किनको देगी? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। किस लिए देगी? लाइक परचेजिंग ऑफ लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, लेबर एंड अदर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसमें एक सेकेंड पार्ट भी है, लैंडलेस एग्रीकल्चर हाउस होल्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है उनको दी जाएगी, वो है 12,500 जो लैंडलेस एग्रीकल्चर है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, गॉट रेयरिंग के लिए, मिनी लेयर यूनिट के लिए, डकरी यूनिट्स के लिए, फिशरी किट्स के लिए, फिशरमैन, मशरूम कल्टीवेशन के लिए और बी कीपिंग के लिए। ये है आपकी लैंडलेस एग्रीकल्चर के लिए। एक तीसरा सेक्शन है वल्नरेबल कल्टीवेटर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, वो जो है उसमें गवर्नमेंट 10,000 पर फैमिली पर ईयर टू टेक केयर ऑफ देयर सस्टेनेंस। इसमें एक प्रोविजन और है, वो है आपका लाइफ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के लिए। तो ये हो गई आपकी कालिया स्कीम। अब आती है फ्रेंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना ऑफ झारखंड। देखिए, इसमें बेनिफिशियरी और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दिस स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑफ एरेबल लैंड अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 एकर। देखिए, इस वर्ड को याद रखना, एरेबल लैंड। अब इसका फीचर देखते हैं। इसमें गवर्नमेंट जो है वो 5,000 रुपए पर एकर पर ईयर देगी। वो क्या करेगा? विच विल हेल्प देम रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन लोन। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है इसमें। ये जो 5,000 रुपये झारखंड गवर्नमेंट दे रही है पर एकड़, वो जो है वो एडिशन टू द पीएम किसान निधि योजना है। यानी कि ये मत समझिएगा कि पीएम किसान निधि योजना का आपको पैसा मिल गया तो आपको ये 5,000 पर एकड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अरेबल लैंड वाले लोगों के लिए है और जो मैक्सिमम अप टू 5 एकर का लैंड होल्ड करते हैं। ठीक है, ये 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिए हैं। अब आते हैं, रायतू बंधु तेलंगाना की योजना है ये। इसमें क्या है, गवर्नमेंट टुवार्ड्स परचेज ऑफ वेरियस इनपुट्स लाइक सीड, फर्टिलाइजर्स, ईटीसी एज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिफोर द क्रॉप सीजन। इसके सब फीचर्स हैं। ये 4,000 पर एकर पर सीजन देगी फार्मर्स को। इसके लिए जो टोटल एलोकेशन दिया है वो 2018-19 में दिया था, वो था 12,000 रुपये। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है, 2019-20 सेशन के लिए या इस ईयर के लिए गवर्नमेंट ने जो इसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस थी वो 4,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया, यानी 4,000 से 5,000 के पर एकड़ पर सीजन कर दिए। अब कुछ फैक्ट देखते हैं रिलेटेड टू मैकेनाइजेशन। देखिए, गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है, हमारी जो पावर अवेलेबिलिटी थी पर हेक्टेयर, इट वॉज 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर इन 2016-17 ईयर, बट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू 4.0 किलोवाट पर हेक्टेयर बाय द एंड ऑफ 2030। इससे क्या होगा, देखिए, आपको ज्यादा पावर अवेलेबिलिटी अगर आप फार्मर्स को देते हैं तो ज्यादा मैकेनिज्म मशीन्स का यूज कर सकते हैं, ज्यादा पंप का यूज कर सकते हैं और फ्रूट प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं।
तो दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो इस इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट ने दिया है. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बट इट इज नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है वो लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड, और ये 1/3 ऑफ द टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है. ठीक है, आपको कहीं आपने न्यूज में पढ़ा भी होगा कि हमारे जो ट्रैक्टर हैं हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आया है कि पास्ट 4 डिकेड्स में ट्रैक्टर इंडस्ट्री जो है वो कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट जो उसकी दी हुई है इट इज 10%. ठीक, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक कंपैरेटिव फैक्ट है. यहाँ से आप अपने आप को मतलब अपने लॉजिक को कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं कि ओवरऑल फार्म मैकेनाइजेशन जो इंडिया में है इट इज 40-45%, बट यूएसए में जो है 95% है, ब्राजील में 75% है, चाइना में 57% है. इसका मतलब ये हुआ कि आज भी इंडिया में प्रिमिटिव मेथड से ही क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है, खेती की जाती है. तो वी आर फार बिहाइंड दिस यूएसए, ब्राजील एंड चाइना. ओके फ्रेंड, अब अगले कुछ फैक्ट देखते हैं. देखिए, अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में नाबार्ड ने जो है 5,000 करोड़ का एक फंड जो है नाबार्ड ने अप्रूव किया है फॉर माइक्रो इरिगेशन फंड, दैट इज कॉल्ड MIF. एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एक फैक्ट और है कि एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो जो 2019-20 के लिए था वो था 13 लाख, 13,15,000 करोड़. टिल 30 नवंबर 2020 19 अ सम ऑफ 9,07,843 करोड़ हैव बीन डिसबर्स, यानी कि अभी तक इसमें से इतना ही खर्च हुआ है. अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स का जो स्थिति है, ये जो क्रेडिट गवर्नमेंट ने फ्लो क्रेडिट फ्लो जो टारगेट किया है 2019-20 के लिए, इसमें से नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में जो है केवल 1% जाता है. वो आप कैलकुलेट कर लेना कि कितना जाता है. 1% इज हाउ मच, 1,350 करोड़ आई थिंक सो, 13,500 करोड़. तो इट इज उन 7 स्टेट्स के लिए गवर्नमेंट का जो फ्लो है वो केवल 1% जा रहा है. तो इट इज वेरी 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 लो. और हाईएस्ट जो जा रहा है वो जा रहा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला में. तो ये चिंता का विषय है कि नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स को आपको डेवलप भी करना है लेकिन क्रेडिट फ्लो जा रहा है वो 1% जा रहा है. तो यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, कुछ अपनी स्कीम्स में चेंज लाना पड़ेगा. अच्छा, द टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बास्केट इज अकाउंट फॉर लिटिल ओवर 2.15% ऑफ टोटल वर्ल्ड एग्रीकल्चर ट्रेड, यानी कि जो वर्ल्ड में टोटल एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्रेड होता है हमारा जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ओनली 2.15%. अच्छा, द मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस जो है वर्ल्ड में जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, दीज आर यूएसए, सऊदी अरेबिया, ईरान, नेपाल एंड बांग्लादेश. अब बात करते हैं इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ प्रिंसिपल एग्री एंड अलाइड कम्योडिटीज. देखिए, इसमें इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ हाइएस्ट ऑफ वैल्यू वो है राइस बासमती, और इसकी वैल्यू जो थी वो 32.80,000 करोड़ थी. देन हाइएस्ट बाई क्वान्टिटी राइस था, लेकिन वो बासमती राइस में था और उसकी वैल्यू कितनी थी, 76.00 लाख मैट्रिक टन. अच्छा फ्रेंड्स, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है इंपोर्ट ड्यूटी को रेज करती है, अपने फार्मर्स को, अपने कॉर प्रोडक्शंस को एडवर्स अफेक्ट से बचाने के लिए. तो इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ने जो है तुर के लिए 0 से 10% ड्यूटी को, इंपोर्ट ड्यूटी को रेज किया है, 0 से 50% रेज किया है पीस के लिए, 0 to 60% रेज किया है ग्राम यानी चने के लिए, और 0 से 60 30% रेज किया है लेंटिल्स के लिए. और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस में गवर्नमेंट ने 4 लाख टन पर ईयर ऑन इंपोर्ट ऑफ तुर को भी इन्होंने अप्लाई किया है, 1 लाख टन ऑन इंपोर्ट ऑफ पीस, उड़द एंड मूंग पर ईयर, ये इन्होंने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगाई है. इसका मतलब ये हुआ कि 4 लाख और 1.5 लाख से ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते. और लास्ट फैक्ट है आज का दोस्तों, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एडिबल ऑयल्स. एडिबल ऑयल्स
को एक्सपोर्ट पर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है एक्सेप्ट मस्टर्ड ऑयल। तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट के मेजर्स हैं जो अपने फार्मर्स को, क्रॉप प्रोडक्शंस को एडवर्स इफेक्ट से बचाने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम यूज करती है। सो फ्रेंड्स, ये आज के लिए था हमारी तरफ से, हमारे चैनल की ओर से। तो अप्रोक्सीमेटली 80-85% क्वेश्चन जो इन एग्जाम्स में आते हैं वो हमारे सिलेबस, हमारे कोर्स से आते हैं, और इन सारे कोर्सेज को डिजाइन करने के लिए हम इन सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं। ये पिछले कुछ सालों में हमने सिलेक्शन अपने यहाँ से दिए हैं, ये हमारे कुछ स्टार परफॉर्मर हैं, और ये सारे के सारे कोर्सेज हम अपने यहाँ डिजाइन करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने MCQ टाइप टेस्ट सीरीज जो नबार्ड ग्रेड एग्जाम के लिए है उसको अपलोड किया था, मुझे लगता है काफी लोगों ने उसको देखा भी है। अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से जाके उसको खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, टाइम बहुत कम बचा है, और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।